आपका कितना बिजली का बिल आया? 54,000 रुपए। क्या इस्तेमाल करती हैं? 3 लाइटें, मोटर है, फ्रिज है, एक पंखा है। आपने अपने बिजली के बिल फाड़ दिए हैं, अगर मीटर काट के ले जाएंगे फिर क्या करेंगे? कोई बात नहीं, और फिर रोड ब्लॉक कर देंगे। अगर कर देंगे तो क्या करेंगे? घर से बिल नहीं देना? नहीं, आप बिल नहीं देना। अच्छा मुझे बताएं कि अमूमन कहा जाता है कि आप लोगों की तो बहुत कमाई होती है, आप लोगों को महंगाई से क्या फर्क पड़ता है? हाँ, हमारी कमाई होती थी किसी वक्त में, जब ये चोर डाकू नहीं थे। अब मुझे बताया, जब आवाम के पास पैसा नहीं होगा तो उन्हें हमें क्या नचाना है? जब हम किसी के पास जाएंगे, किसी के पास कुछ होगा तो हमें देंगे ना। बिजली महंगी ना मंजूर, ना मंजूर। पेट्रोल महंगा ना मंजूर, ना मंजूर। जिनके 5-5, 6-6 AC हैं, उनको 20,000 रुपए बिल आ रहा है। कुछ उनसे क्रप वो ले लेते हैं, क्या उनको बोलते हैं, पैसे ले लेते हैं। हाँ जी, पैसे ले लेते हैं। तो जिनका 1 पंखा 2 पंखा, उसको 25,000, 30,000, 50,000 बिल आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, नियो डिजिटल के साथ मैं हूँ रूबा। रुचनासीन, कमर तोड़ महंगाई ने हर तबके को ही परेशान करके रखा हुआ है। इस वक्त ट्रांसजेंडर कम्युनिटी अपने बिजली के बिल ज्यादा आने पर एहतजाज कर रही है और नारेबाजी कर रही है। क्या कहना चाहेंगी? आटा महंगा ना मंजूर, ना मंजूर। बिजली महंगी ना मंजूर, ना मंजूर। पेट्रोल महंगा ना मंजूर, ना मंजूर। ये हुक्मरान। अच्छा अच्छा, एक मिनट जरा मुझे ये बताएं कि आपका कितना बिजली का बिल आ गया? बेटा मेरा 18,000 का बिल आया है। क्या इस्तेमाल करती हैं, क्या क्या चीजें? 2 पंखे हैं और 2-3 लाइटें हैं बस। इतना ज्यादा बिल कैसे आ गया? बस बेटा पता नहीं ये क्या करते हैं क्या नहीं करते। अब मैं आपको बताऊं कि जितने ये जो चेकिंग करने आते हैं, ये मिले हुए हैं पता नहीं लोगों के साथ, जिनके 5-5, 6-6 AC हैं, उनको 20,000 रुपए बिल आ रहा है। कुछ उनसे वो ले लेते हैं, क्या उनको बोलते हैं, पैसे ले लेते हैं। हाँ जी, पैसे ले लेते हैं। तो जिनका 1 पंखा 2 पंखा, उसको 25,000, 30,000, 50,000 बिल आ रहे हैं, जिनकी कोई आमदनी नहीं है। और उनको हुक्मरानों की जैशियाँ नहीं ख़त्म होती, आपको पता है। इनको यूनिट फ्री, इनको बिजली फ्री, इनको पेट्रोल फ्री, इनकी सैलरी इतनी इतनी, करप्शन इनको फ्री, जितनी मर्जी करें। इन्होंने खुदा को जवाब नहीं देना, अल्लाह को जवाब नहीं देना। ये हुक्मरान ये सीट सिर्फ अपने बच्चों के लिए बैठते हैं कि ये इस अवाम के लिए बैठते हैं? किसके लिए बैठते हैं? आपके लिए तो कहा जाता है, आप लोगों के लिए तो कहा जाता है कि आप लोगों को तो महंगाई फील ही नहीं होनी चाहिए, आप लोग तो बहुत अच्छी कमाई कर लेते हैं। हमारे पास कौन सी जॉब है? क्या हम करप्शन करते हैं? क्या काम करते हैं हम लोग? बेटा फंक्शन करते थे, अच्छा दौर हमने देखा, अच्छे फंक्शन किया, अच्छा हम कमाते थे। अब ये 2 साल से इतनी महंगाई हो गई है कि पाकिस्तान अवाम इतनी परेशान है। जब पाकिस्तान अवाम खुशहाल होगी, अच्छी सैलरियाँ मिलेंगी, बाहर से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आएगी, लोग खुशहाल होंगे, फिर आम लोग हम लोग खुश होंगे। ठीक, आपका कितना बिजली का बिल आया? 54,000। 54,000 रुपए? जी बिल्कुल। क्या इस्तेमाल करती हैं? 3 लाइटें, मोटर है, फ्रिज है, एक पंखा है। एक पंखा चलता है जी? एसी तो नहीं चलता? नहीं। चेक करवाया, ये इतना ज्यादा बिल क्यों आ गया? महंगाई की वजह से। मतलब ये तो 3-4 AC चलते हो तो फिर आता है ना? इन में 3,000-5,000 इतना बिल आता था। ये देखे अचानक ही एकदम से इतना बिल, इन लोगों ने आखिर क्या आखिर नहीं कर दिए? क्या ये हम पाकिस्तान में, ये कहीं पे, ये हमारा पाकिस्तान है, ये हमारे दुश्मन है, क्या है जो पाकिस्तानियों के साथ ऐसा करे? हरगिज ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये हमारा पाकिस्तान है, इसमें इतनी महंगाई कहाँ से आ गई है? देखें, अगर हम बिल पे करते हैं तो रेंट कहाँ से करें? रेंट करें तो बिल कहाँ से करें? अगर ये दोनों भी करें तो फिर राशन कहाँ से पूरा करें? आज आपने अपने बिजली के बिल फाड़ दिए हैं, अगर मीटर काट के ले जाएंगे फिर क्या करेंगे? कोई बात नहीं, और फिर रोड ब्लॉक कर देंगे। अगर कर देंगे तो क्या करेंगे? घर से बिल नहीं देना? नहीं, आप बिल नहीं देना। पाकिस्तान को बेटा कहते कोई भी बिल ना दे, कोई भी बिल ना दे, मीटर काटने काट लें, कोई मसला नहीं। 2 महीने काटेंगे, 3 महीने इनको समझ आ जाएगी जब सारे मीटर काट लेंगे। कोई भी बिल ना दे पाकिस्तान में। हमें बेटा ये बताओ कि हम किसको बोलें नोटिस ले? चीफ जस्टिस साहब को बोलें, सुप्रीम कोर्ट में जिसकी कोई नहीं सुन रहा, हाई कोर्ट में बोलें, किसको हम अपील करें? कौन नोटिस लेगा? एस्टेब्लिशमेंट ले, कौन अदारा नोटिस लेगा इस चीज़ का? कोई नोटिस नहीं ले रहा। आप मुझे बताएं आपका बिजली का बिल कितना आया? हमारा आया 53। 53,000? जी। क्या करते हैं आप लोग? कुछ नहीं, ये इनसे बात पति का, जो जिनकी सैलरी ये 30-40 है, ठीक है, वो किराए दें, बिजली के बिल दें, खाने पीने का करें, बच्चों का करें, क्या करें? सब इतनी, जो अमीर है वो तो दे सकते हैं, जो गरीब है, जो कुछ नहीं कर सकते वो क्या क्या करें?
हर किसी की इतनी मजबूरियां हैं, टेंशन है, अब बिल इतने आने लगे तो बाकी बंदा खाए क्या, भूखा मरे, उनके बच्चों ने भूखा मरना है, कहाँ से खाएंगे, कहाँ से पिएंगे, कहाँ से खाए, कहाँ से जो है वो। आप मुझे बताएं आपका कितना आया? अभी मेरा बिल तो आया है कुछ 16,000 रुपए। सबसे कम आपका ही आया बिल यहाँ पे? मेरे पास कौन सा ऐसी है, मैं तो आपको बता, इशारे पे मांगने वाला खुसरा। मुझे ये बताएं ये पाकिस्तान कायदे आदम ने किसके लिए बनाया? अच्छा मुझे बताएं कि अमूमन कहा जाता है कि आप लोगों की तो बहुत कमाई होती है, आप लोगों को महंगाई से क्या फर्क पड़ता है? हाँ हमारी कमाई होती थी किसी वक्त में जब ये चोर डाकू नहीं थे। आप मुझे बताएं जब आवाम के पास पैसा नहीं होगा तो उन्हें हमें क्या नचाना है? जब हम किसी के पास जाएंगे, किसी के पास कुछ होगा तो हमें देंगे ना, किसी के पास जब कुछ है नहीं तो हमें क्या उसने देना है? आपको पता है जब पैसा ही नहीं किसी के पास होगा उन्होंने हमें क्या देना है? हम बिल बहुत किससे मैं रिक्वेस्ट करूँ, हमारा तो आपको पता है अदलिया भी ना किसी काम के नहीं है, हमारा चीफ जस्टिस साहब वो फैसला देते हैं कोई मानता ही नहीं है, वो भी किसी काम का उनका फैसला, यानी कि हमारे जो पाकिस्तान है ना उसको पर कोई अल्लाह का वली आके बचा सकता है, बाकी इनसे तो खुदा छुड़ा। चलें जी ये मुंतजिर है कि कोई अल्लाह का वली आए और आके पाकिस्तान के हालात बदले, क्योंकि हर कोई मायूस और नाउमीद नजर आ रहा है। इसी तरह से ये ट्रांसजेंडर्स भी खासे मायूस हैं कि बिजली के बिल हों, पेट्रोल की कीमतें हों या महंगाई हो, इन्हें बराबर जो है वो नुकसान हो रहा है।